त्राल की एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले जानकारी, त्राल लूरगामी स्टेडियम का काम अभी अधूरा है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे देते हैं, 2008 से अब तक काम पूरा नहीं हुआ है और लोगों के सपने कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हैं। और ये कह रहे हैं लोग, प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि ग्राउंड बहुत जरूरी है, स्टेडियम बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, छात्र अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, लेकिन आखिर प्रैक्टिस कहां पर करें, स्टेडियम नहीं है, ग्राउंड नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये 2008 से लगभग ऐसी ही चली आ रही है और अब 2021 का वक्त हो चला है, यानी 2021 आ गया है और यही तस्वीर आपको आगे आने वाले समय में देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि करनी कथनी में कितना अंतर होता है वो गुलिस्तान न्यूज आपको समय समय पर दिखाता रहा है। और सच्चाई पहुंचती है जब जब हमारे संवाददाता पहुंचते हैं और कानों में रूप नेता साहब के नहीं रिंगती है। लेकिन आप फिलहाल खुद सच्चाई सुनिए कि आखिर जनता वहां पर क्या कह रही है और जनता किस तरीके से पुकार लगा रही है कि साहब ये सुन लीजिए, हम अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन आखिर कैसे खेल जगत में कैसे अपना भविष्य बनाएं, जब हम देख रहे हैं कि विश्व पटल पर भारत नाम कमा रहा है, मेडल ला रहा है और खासकर टोक्यो ओलंपिक में जिस तरीके से भारत ने अपना परचम लहराया, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा क्या करें, क्योंकि स्टेडियम नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो खेले कहां पर। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ कहती है आम जनता। मैं मेरागाम से हूँ, मेरागाम त्राल से। हमारा मसला यही है कि हमारा जो स्टेडियम है वो 2008 से बन रहा है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इस पे जो काम चल रहा है वो बहुत सुस्त चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आला हुकाम से गुजारिश की थी कि इस स्टेडियम को प्लेबल बनाया जा सके ताकि हमारे जवानों का टैलेंट पूरी दुनिया देख सके, पूरा कश्मीर देख सके, उनका भी कोई टैलेंट होगा अपना, हर किसी बंदे के पास अपना अपना टैलेंट होता है ताकि वो उसे शो कर सके दूसरों के सामने। अब जो हमारा ये स्टेडियम है अभी तक ये प्लेबल नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो विड़ भी है वो भी कम है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड बहुत है, लेकिन आला हुकाम अभी तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे पा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। अब हम अपनी आवाज उन तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो इस स्टेडियम को प्लेबल बना सके ताकि हम भी यहाँ पे खेल कूद कर सके। राष्ट्रीय ग्राउंड यथास्थान चलन कम कम्प्लीट गो अम ब्रो अक लट ए डी सी सोब दपन यह करू कम्प्लीट यह गो न कम्प्लीट क्या लैंड तल यह सपोर्ट्स वो अक लट दो यह करो कम्प्लीट पत् गो न कम्प्लीट कहीं गा गिंदा जिसा तुवाह पे गई पांच शे वरी कम्प्लीट गोन अपील यह गोस ग जल्दी तैयार तो गिंदा पे बेन गो कश्मीर के युवा हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के युवा अपील कर रहे हैं कि प्रशासन तक बात पहुंच जाए, लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। फारूक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं त्राल से। दरअसल फारूक समय समय पर इस आवाज को उठाते भी रहे हैं, सोशल वर्कर हैं फारूक। फारूक बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फारूक अगर मैं सही हूं तो आप एक सोशल वर्कर हैं और आवाज आप उठाते रहे हैं। मामला 2008 का बताया जाता है कि 2008 से तकरीबन यही तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या आपकी तरफ से भी कुछ बातें कही गई इसको लेकर कि प्रशासन जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दे? ये मैं फारूक त्राली चेयरमैन सिटीजन काउंसिल त्राल हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, लेकिन जहाँ तक आप इस वक्त स्टेडियम की बात कर रहे हैं ये 2008 से ऐसे ही पड़ा है जैसे ही शुरू में इसका काम शुरू हुआ था। बीच स्टेडियम में पत्थर पड़े हैं जो फेंसिंग के लिए उनको इस्तेमाल करने थे लेकिन नहीं हो रहा है। रिसेंटली आज से दो दिन पहले एक जो इंडोर स्टेडियम बन गया है उसकी इनॉग्रेशन एक सेंट्रल मिनिस्टर ने की है, लेकिन जहां तक इस स्टेडियम जिसकी जरूरत है हमारे यंग जनरेशन के लिए वो तरस रहे हैं पिछले 25-30 साल। क्या कोई लिखित में शिकायत दी गई है क्या इसके लिए? यस सर, कोई लिखित में शिकायत दी गई है कि प्रशासन को? बिल्कुल जी, आज तक हमने बहुत सी लिखित जो आज तक हमारे गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक जी और उसके बाद दो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ गए, उनके सामने मैंने ये इसको रिप्रेजेंट किया है कि इसमें प्रायोरिटी दी जाए ताकि यहाँ की जो नौजवान जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको वो खेल की सुविधाएं मैसर हूँ जिनके लिए वो पिछले 3 दहाइयों से
हम 3-4 डिकेड वो तरस रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ जबानी खर्चा हो, ये जमा खर्च होता है, कागजों पे लिखित होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड देयर इज नथिंग कंक्रीट इमर्जेड सो फार फ्रॉम द गवर्नमेंट। सिर्फ बातें होते रहती है लेकिन काम नहीं हो रहा है ये ग्राउंड लेवल पे। चलिए ठीक है फारूक, हम कहीं ना कहीं गुलिस्तान न्यूज ये भी अपील प्रशासन से करता है कि इस ओर ध्यान दे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल फारूक ने शिकायत लिखित तौर पर भी दी है, सोशल वर्कर हैं, और आम जनता की बात करें तो आम जनता की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो हमने आपको दिखाया है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के युवा हॉकी पकड़ना चाहते हैं, बैडमिंटन पकड़ना चाहते हैं, लेकिन आखिर कैसे जब स्टेडियम ही नहीं होगा, कोई ग्राउंड ही नहीं होगा खेलने के लिए। और जम्मू कश्मीर के युवाओं को सपने तो दिखाए जा रहे हैं पर आखिर पूरे कैसे हों, क्योंकि खिलाड़ी तो वो बनना चाहते हैं और काम प्रशासन कर भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जो दूरस्थ हैं, वहां पर देखना होगा, समझना होगा कि ग्रामीण इलाकों के बच्चे छात्र भी दुनिया के अंदर विश्व पटल में अपना नाम कमाना चाहते हैं, और उसके लिए आपको संसाधन उपलब्ध करवाने होंगे, और वो करवाने भी चाहिए क्योंकि प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है। फिलहाल